Hello，Hello，hello. 你说 Hello，嗨。Welcome to China. Welcome to China. Thank yeah, you. Thank you. तो आज पहली दफा हम किसी कंट्री साइड का विजिट करने चाह रहे हैं चाइना में और देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग व्लॉग। आज मैं मौजूद हूँ चाइना के एक गांव में जिसका नाम है यूशिन और यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे सरसों के जो फूल हैं और उनकी काश्त कैसे की जाती है। यहाँ पे और भी बहुत सारे डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स हैं क्योंकि ये स्प्रिंग का सीजन है और इस सीजन में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। ये फर्स्ट टाइम है मैं किसी भी गांव में जाके इस तरह से व्लॉग बनाऊंगा। चैनल बने हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेट्स गो। तो ये हमारे होस्ट हैं जो आज हमें होस्ट करेंगे और हमें इस फॉर्म के मुतालिक सारी डिटेल्स बताएंगे। सो ही इज द ऑनर ऑफ दिस प्लेस। तो ये 50 एकड़ जो भी इस जगह पे काश्त की जाती है वो इन्हीं की मलकियत है। मैं सरसों के फूल और इन्हीं के थ्रू ये ऑयल भी बनाते हैं, सरसों का ऑयल। तो इनकी काश्त की हुई है ये पूरे एरिया में। तो ये 50 एकर्स का एरिया है जो यहाँ पे काश्त किया जाता है। तो काफी ह्यूज प्लेस है। तो ये है इस एरिया का वेयर हाउस जहाँ पे ये डिफरेंट किस्म की मशीन्स लगी हुई है। सो ये कुछ ट्रैक्टर बना हुआ है जिसके थ्रू ये प्लांट करते हैं डिफरेंट प्लांट्स को। तो आपको अपने हाथ से नहीं लगाने पड़ते। दिस इज ड्रोन। ओके, तो ये कुछ इस तरह से ड्रोन यूज करते हैं खाद डालनी हो या कुछ भी इस तरह की चीजें। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो खुद से नहीं ये काम करते। कुछ भी डालना हो तो इन ड्रोन्स के थ्रू ही अपने फील्ड में यूज किया जाता है। तो ये देख सकते हैं चाइना में कुछ इस तरह से तो धान होता है वो तैयार होता है और उसके बाद ये इनमें से राइस को निकालते हैं। ये एक और मशीन है जो ये यूज होती है यहाँ पे डिफरेंट पर्पस के लिए। डिफरेंट मशीन्स यहाँ पे इन्होंने रखी हुई हैं। तो ये कुछ इस तरह से सरसों का ऑयल जो तेल है वो बनाते हैं। वेल, ये एक एरिया इन्होंने डेडिकेट किया हुआ है डिफरेंट लोगों को आउटिंग के लिए फ्राम किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं अपने बच्चों को लेकर। तो नेचुरल जो भी इस ब्यूटी को और इस एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं। ये ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स खड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, आर यू एंजॉयिंग निमन साहब वर्मा? ओके, एंजॉय एंजॉय। तो इस पूरे फॉर्म में यहाँ पे इन्होंने ग्रेप्स भी लगाए हुए हैं। ये देख सकते हैं ये सारे ग्रेप्स के प्लांट्स हैं और बहुत ही वसी पैमाने पर इन्होंने इनको उगाया हुआ है और ऊपर से ये कवर किए हुए हैं ताकि जो सूरज की लाइट है वो डायरेक्ट इन पे ना पड़े। और ये जैपनीज ग्रेप्स हैं। तो ये गंदम काश की हुई है, ये आप देख सकते हैं ये गंदम के सीटे। और ये इस पूरे एरिया में गंदम की काश्त की हुई है। इस पूरे एरिया को जो कि 50 एकड़ पर मुश्तमिल है इसको तो पानी पहुंचाने के लिए ये एक नदी इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है। तो ये तकरीबन कुछ 2 किलोमीटर लंबी ये नदी है। तो इस फॉर्म पे जितने भी विजिटर्स आते हैं डिफरेंट सिटीज से उनके लिए बारबेक्यू का भी इंतजाम किया गया है। तो वो अपना सामान लेके यहाँ पे आए और अब बारबेक्यू को एंजॉय करें। तो खाना पीना भी होता है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से चाइनीज कंट्री साइड के जो फॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। और आज के इस व्लॉग में मैंने आपको
इस हवाले से सारी डिटेल बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।